तीन देखो, कह रहा है इतना यह दिया एक बहुपद को इतना से भाग देना है। चलिए x माइनस वन यहां लिख लीजिए, 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस 1 में भाग देना है। चलिए x है यहाँ पे, तो कितना से गुना करेंगे तो 3x का पावर 4 आ जाएगा, तो 3x क्यूब से गुना करना होगा, तो 3x क्यूब में दोनों से गुना करो, 3x का पावर 4 माइनस का 3x क्यूब, साइन बदलो, माइनस प्लस यह कट जाएगा, माइनस का 4x क्यूब है यहाँ, प्लस का 3x क्यूब हो गया, यह हट जाता है ना, ये साइन आ गया यहाँ पे, तो माइनस का x क्यूब बचेगा, माइनस का 3x और माइनस का 1, कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ अगर हम लोग x में माइनस के x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा, और माइनस 1 में माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, यही ना होगा जी। चलिए यहाँ भी साइन बदलते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा, तो यह माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1, ये साइन हट गया, यहाँ माइनस आ गया है, तो माइनस का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1, अब कितना बार में ले जाएंगे, तो माइनस एक्स बार में ले जाना होगा ना, ताकि माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, और माइनस एक्स में माइनस 1 से करें तो प्लस का एक्स आ जाए, यहाँ भी साइन बदलेंगे, प्लस माइनस यह कट गया, माइनस का 4x माइनस का 1, इना है माइनस का 4x माइनस का 1, अब कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ हम लोग ले जाएंगे आपके कितना बार में, तो माइनस 4 बार में, माइनस 4 में इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 4, यहाँ साइन बदलते हैं, प्लस माइनस यह कट जाएगा, यहाँ माइनस का 5 आपका शेषफल, शेषफल नहीं पूछ रहा था आपको, सिर्फ भागफल पूछ रहा है, तो भागफल आपका यहाँ से आ गया, भाग देके भागफल आ गया 3x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए, क्वेश्चन नंबर